हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनमें हम भूत सवार होने की बात करते हैं। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, उसे इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, उसे प्यार का भूत सवार है, उसे शादी करने का भूत सवार है। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हमें बहुत बोलने होते हैं जिनमें हम भूत सवार होने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सच में भूत सवार होने की बात नहीं होती। भूत सवार होने का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी इंसान में या फिर किसी काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, मतलब इतना इंटरेस्ट होना कि उसको ही करते रहना। तो चलिए आज सीखते हैं इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना जिनमें भूत सवार होने की बात होती है। ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है और वो फ्रेज है बिटन बाय द बग। बिटन बाय द बग, बिटन बाय द बग का यूज तब किया जाता है जब किसी का किसी इंसान में, किसी चीज में या फिर किसी काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बोलेंगे बिटन बाय द, और उसके बाद उस चीज का जिक्र करेंगे जिस चीज का भूत सवार होने की बात हो रही है, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी। अगर किसी काम की बात कर रहे हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होगा और लास्ट में आप बोलेंगे बग। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है, ही इज बिटन बाय द डांसिंग बग। संध्या को गाने का भूत सवार है, संध्या इज बिटन बाय द सिंगिंग बग। उन दोनों को इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, बोथ ऑफ देम आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, नाउडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम बग। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग। उसे शादी करने का भूत सवार है, ही इज बिटन बाय द गेटिंग मैरिड बग। उसे टैटू का भूत सवार है, ही इज बिटन बाय द टैटू बग। तुम्हें तो मिलने का भूत सवार है बस, यू आर बिटन बाय द मीटिंग बग, दैट्स इट। सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। उसे आईफोन्स का भूत सवार है, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और सिंपली कमेंट में लिखना है, देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।